किसान भाई आज मैं आपको बताऊंगा अरंडी की एक बेहतरीन किस्म जिसे बीज कर आप बहुत ही ज़्यादा पैदावार पा सकते हैं। इसी वैरायटी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अरंडी की इस किस्म से किसान भाई साधारण किस्मों की बजाय दुगनी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों इस किस्म की बात करें तो GCH7, हाँ जी GCH7 इस किस्म का नाम है। ये दोस्तों वैज्ञानिक तरह से उपजाई की जाए तो आपको प्रति हेक्टेयर में 4 टन तक का उत्पादन मिल सकता है, यानी पहले से अधिक लाभ उठाकर किसान भाई अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। दरअसल अरंडी का तेल कई प्रकार के उपयोग किया जाता है। इस बीच पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने इस अरंडी की नई किस्म का विकसित किया है जिसमें आपको दुगनी पैदावार मिल जाती है। आपको बता दें कि अरंडी की एक जाड़ीनुमा पौधा होता है। ये जाड़ीनुमा छोटे आकार के साल भर में पाया जाता है। दोस्तों भारत अरंडी का तेल और खली में 90% आपूर्ति करता है। इसके तेल का सर्वाधिक उपयोग दवाओं बनाने और औषधीय बनाने के रूप में किया जाता है। इस किस्म के पौधे की पत्तियां अधिकांश हरे रंग की होती है, हालांकि यह लाल या फिर गहरे बैंगनी और पीतल रंग के भी बन जाते हैं। इसका पौधा कमजोर डाली वाला होता है, साथ ही पत्तियाँ हथेली की जितनी ही होती हैं। इसकी खेती खराब जलवायु में भी की जा सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तो आशा करता हूँ कि आप इस अरंडी की खेती करके इस बीज को GCH7 को बीज कर अच्छी पैदावार पा सकते हैं ताकि आपको अच्छी आमदनी हो। अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं बेहतरीन किस्मों के बारे में वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।